आपने फिल्म थ्री इडियट तो जरूर देखी होगी। थ्री इडियट की कहानी से हमारी कहानी का कोई लेना देना नहीं है, मगर हाँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे इस फिल्म में आमिर खान को दर्शाया गया था, जिन्होंने नए नए तरीकों से एक्सपेरिमेंट किए, जो दर्शकों के साथ पढ़ाई कर रहे बच्चों को भी खूब पसंद आए। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया उदयपुर के टेक्नो इंडिया NJR कॉलेज के इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों ने। छात्रों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले मटेरियल यानी प्रदूषण फैलाने वाले सामानों से इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाने की योजना तैयार की है। ये प्रोडक्ट बनाया है ताकि हम आगे फ्यूचर में एनवायरनमेंट को लेकर जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, और बिना पानी, बिना मतलब ऐसी कुछ चीज़ें, एनवायरनमेंट की चीज़ों को यूज़ करें बिना, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो हमें फ्यूचर में काम आए। और ये इतना लाइट वेट है कि मतलब अब हम अपन बाहर घर के बाहर जो आउटडोर वॉल्स होती हैं उनमें इनको यूज़ कर सकते हैं। मेनली ब्रिक्स बहुत हैवी वेट की होती है, ये वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके इतना लाइट वेट प्रोडक्ट बना रही है। प्रदूषण यानी हमारे चारों ओर फैल रहे सबसे अमूल्य धरोहर हवा, पानी और मिट्टी को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें। आम जन जीवन की तीनों जरूरतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो वो है प्लास्टिक की बोतलें, धुआं और वेस्ट मटेरियल। दरअसल इन बच्चों ने प्लास्टिक की बोतलों को पहले मशीन में क्रश किया और उसमें मार्बल सलरी के साथ अन्य वेस्ट मटेरियल मिक्स कर दिए। पूरी तरह से मिक्स होने के बाद फिर उसे मशीन प्रक्रिया से होकर गुजारा गया। सारा वेस्ट मटेरियल जब एक साथ गाढ़ा लिक्विड बनकर तैयार हो गया तो उन्हें ब्रिक्स की शेप देकर एक साचे में जमा कर उसे ईंट का रूप दे दिया गया। छात्र अपने इस प्रयास में सफल भी हुए और अंत में एक ऐसी ईंट बनकर सामने आई जो न सिर्फ इको फ्रेंडली थी बल्कि उसे बनाने में पर्यावरण को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया और ये अन्य ईंटों के मुकाबले मजबूत भी है। छात्रों के इस ईंट बनाने के इस सपने को कॉलेज प्रबंधन ने भी खासा सराहा है और उनके प्रयास में पूरी भागीदारी भी निभाई। प्लास्टिक क्रश करने और कचरे के मिश्रण को गाढ़े लिक्विड में बनाने वाली मशीन को भी कॉलेज में ही जुगाड़ से तैयार किया गया। कॉलेज प्रबंधन अब इस अनूठी मशीन के पेटेंट की भी तैयारी कर रही है। विद्यार्थियों की अथक मेहनत से तैयार हुआ ये अनूठा प्रोजेक्ट टेस्टिंग में भी पूरी तरह से पास हुआ है और यही वजह है कि शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट को देश भर से लाखों रुपए की फंडिंग भी दी जा चुकी है। 2 साल पहले एक राजस्थान में कंपटीशन हुआ था जिसमें राजस्थान की जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए नए आइडियाज़ के साथ हमारे यहाँ के बच्चों की एक टीम ने मार्बल स्लरी और प्लास्टिक को यूज़ करके ब्रिक बनाने का एक आइडिया प्रेजेंट किया था, जिसमें मार्बल स्लरी को फिलर की तरह और प्लास्टिक को बाइंडर की तरह यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक को मेल्ट करके उसमें अगर स्लरी मिक्स करते हैं तो वो एक सॉलिड ब्रिक जैसा शेप ले लेता है और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी आ रही थी। इंजीनियरिंग छात्रों का ये प्रयास अब रंग लाने लगा है और अब इन्हें देश के कई नामी संस्थानों में प्रेजेंटेशन के लिए भी निमंत्रण मिलने लगे हैं। ऐसे में अब लगता है कि आने वाले समय में पर्यावरण बचाने के प्रयास में सफल होने वाली इन ईंटों की बाजार में भी मांग बढ़ने लगेगी।